नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव सांगवान, मैं एक करियर काउंसलर हूं। आज मेरे सामने बैठे हैं इन बच्चों ने अभी टेंथ के एग्ज़ाम दिए हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि इन्हें प्लस वन में 11वीं क्लास में इनको कौन सी साइड लेनी चाहिए और या कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, इसके बारे में यही जानना चाहते हो बेटा। अभी आपने टेंथ के एग्ज़ाम दे दिए हैं, अभी आप प्लस वन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ना, जो आपने टेंथ में आपके पास जो सब्जेक्ट थे उनके बारे में आप मेरे को बताएं। टेंथ में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे? टेंथ में मेरे पास हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और साइंस और सर मैथ। ठीक है, आपने बताया आपके पास टेंथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस और साइंस थे, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए, आप प्लस वन में जा रहे हो तो प्लस वन के अंदर कितनी सारी स्ट्रीम्स होती हैं। प्लस वन के अंदर बेसिकली तीन स्ट्रीम होती हैं, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। साइंस के दो पार्ट होते हैं, नॉन मेडिकल और मेडिकल, ठीक है। अच्छा, आर्ट, आर्ट के अंदर क्या होता है बेटा, जो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा है ना, इंग्लिश अच्छी, आप आर्ट लें, कॉमर्स लें, नॉन मेडिकल लें, मेडिकल लें, सब सब्जेक्ट, सब स्ट्रीम के अंदर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आपने बताया आपके पास प्लस वन में 10वीं तक हिंदी था। हिंदी सब्जेक्ट आप आर्ट में भी ले सकते हो, कॉमर्स में भी ले सकते हो, नॉन मेडिकल में भी ले सकते हो, मेडिकल में भी ले सकते हो, लेकिन ये कोई कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसकी जगह आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आप हिंदी के साथ साथ अल्टरनेट ले सकते हैं। उसके बाद आपने बताया मैथ्स को, जो मैथ्स है ये जो कंपलसरी है ये केवल नॉन मेडिकल के अंदर कंपलसरी है। अगर आप आर्ट में हो तो भी आप मैथ्स को ले सकते हो, कॉमर्स में है तो भी आप मैथ्स को ले सकते हैं, नॉन मेडिकल में है तो भी आप मैथ्स को, नॉन मेडिकल में तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, मैथ्स कंपलसरी है। और मेडिकल में अगर आप हिंदी की जगह मैथ्स लेना चाहें या एक आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं मैथ्स को भी, ठीक है। वैसे मेडिकल में मैथ्स कंपलसरी नहीं होता। उसके बाद आ जाता है आपने बताया एसएस, जो एसएस के अंदर आपने पढ़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और ये आपने इकोनॉमिक्स, जो ये सब्जेक्ट जो आप एसएस के सब्जेक्ट पढ़े हैं ये प्लस वन के अंदर जाने के बाद, जैसे आपने टोटल एक कंबाइंड एक सब्जेक्ट पढ़ा था एसएस, वो एसएस के सब्जेक्ट प्लस वन के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट हिस्ट्री बन जाता है, एक ज्योग्राफी बन जाता है, एक पॉलिटिकल साइंस बन जाता है और एक इकोनॉमिक्स बन जाता है। हाँ हाँ, जो बच्चे मतलब हिंदी के अंदर जो इनको पढ़ते हैं, जिसको हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास, कॉमर्स और इसको ज्योग्राफी को बोलते हैं भूगोल, और पॉलिटिकल साइंस को बोलते हैं नागरिक शास्त्र, और इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपके जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं ये आप पढ़ेंगे, जो एसएस के सब्जेक्ट है वो आप सारे आर्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है दूसरी ब्रांच बताई मैंने आपको कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स के अंदर क्या होगा, कॉमर्स के अंदर ये अकाउंट और बिजनेस कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहली चीज़ ये कंफर्म कर ले, आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट प्लस वन के अंदर, प्लस टू के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 5 सब्जेक्ट, ठीक है। आर्ट में आपने 5 सब्जेक्ट कौन से, इंग्लिश, हिंदी या मैथ्स या फिर ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ड्राइंग और कुछ संस्कृत ले लेते हैं, कोई म्यूजिक ले लेते हैं, कोई भी आपने 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं आर्ट के अंदर। जब आप कॉमर्स में जाओगे तो कॉमर्स के अंदर आपको इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही होता है, इसके साथ साथ आपको अकाउंट और बिजनेस, ये दो सब्जेक्ट आपको कॉमर्स के अंदर पढ़ने पड़ेंगे, अकाउंट और बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा बाकी दो सब्जेक्ट कई स्कूलों के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक्स और मैथ के अंदर ऑप्शन होता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाएं या फिर मैथ्स पढ़ाएं, ठीक है। तो कई जगह बच्चे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, कई जगह मैथ्स ले लेते हैं, कई जगह मतलब कोई कंपलसरी नहीं है कि जी आपने इकोनॉमिक्स ही लेनी ही पड़ेगी, लेकिन कई स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार उसको आपको दे देते हैं, लेकिन आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश, अकाउंट और बिजनेस ही है कॉमर्स के अंदर। फिर बात करते हैं नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल के अंदर जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो होता है पीसीएम बोला जाता है नॉन मेडिकल वालों को। पीसीएम का अर्थ होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और इंग्लिश कंपलसरी होती है। अगर नॉन मेडिकल का बच्चा है तो उसके पास मैथ्स भी मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिलेगी और इंग्लिश मिलेगी, ये 4 सब्जेक्ट नॉन मेडिकल के बच्चे के पास मिलेंगे। इसके साथ साथ बच्चा अगर चाहे तो 5वां सब्जेक्ट कोई भी एक ले सकता है, चाहे तो अकाउंट, वो ये क्या बोलते हैं इसको, कंप्यूटर ले सकता है, कोई हिंदी ले सकता है, कोई संस्कृत ले सकता है, कोई आपका ये फिजिकल एजुकेशन ले सकता है, कोई म्यूजिक ले सकता है, कोई ड्राइंग ले सकता है, मतलब 5वां सब्जेक्ट ऑप्शन होता है, वो कोई भी एक चूज कर सकता है। अच्छा, ऐसा ही बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल के अंदर जो जिस तरह की आपने बताया ना, आपके 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट कवर हो गए, आपने टेंथ में बताया इंग्लिश, हिंदी, एसएस
और आपने मैथ्स, ये चार सब्जेक्ट तो कवर हो गए। अब पांचवा सब्जेक्ट बचता है साइंस। साइंस के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, कौन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करी जाती है तो ये सब्जेक्ट आते हैं मेडिकल के अंदर। मेडिकल के अंदर जो चार सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश। ये चार सब्जेक्ट आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके साथ साथ आप पांचवा सब्जेक्ट, आप मैथ्स चाहो तो मैथ्स को भी ले सकते हो, कंप्यूटर चाहो तो कंप्यूटर को भी ले सकते हो, और वो म्यूजिक ले सकते हो, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, कोई भी पांचवा सब्जेक्ट आप ले सकते हो। वैसे बेसिकली क्या होता है, जब आप प्लस वन करते हो, प्लस टू करते हो ना, तो आपके पास पांच सब्जेक्ट में आपको पास होना ज़रूरी होता है। अगर आपने छह सब्जेक्ट ले रखे हैं, अगर आप किसी पांच सब्जेक्ट में पास है तो आपको पास ही माना जाता है। तो छठा सब्जेक्ट को मतलब एक ऑप्शनल होता है, कई स्कूल वाले दे देते हैं, कई स्कूल वाले इसको नहीं देते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा और आप कोई बात जानना चाहते हो? अच्छा देखो बेटा, करियर ऑप्शन सारी की सारी स्ट्रीमों में बेस्ट होते हैं, चाहे वो आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो, चाहे मेडिकल में हो, करियर ऑप्शन सारी की सारी स्ट्रीमों में बेस्ट होते हैं। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमारा किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। सारी फील्ड अच्छी हैं, कोई फील्ड ख़राब नहीं है। जिस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ की हमें नॉलेज है, जिस चीज़ को हमें पढ़ने में मज़ा आता है, हमें वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। कभी प्रेशर में आके ब्रांच को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को आप और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे को है ना, जिससे मैंने आर्ट ले लिया, आर्ट के बाद मेरे पास कौन से करियर ऑप्शन है, मैं कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, कॉमर्स के बाद मेरे पास कौन से करियर ऑप्शन है, नॉन मेडिकल के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है, और मेडिकल के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है, इन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके इनको करने के बाद आपको कहाँ कहाँ आपको मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सब भी को भी इनके बारे में किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9354128928, 9354128928। कृपया कॉल या मैसेज सुबह 7 से 9 के बीच में और 7 से 9 के बीच में करें, क्योंकि दिन में हमारा टाइम ऑफिस में होता है, इसलिए हम आपसे ढंग से बात नहीं कर पाएंगे। कृपया टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद।